चलेगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन जो है भर्तियों को लेकर एक्शन मोड पर आ गई है। दरअसल आप सभी जानते हैं, कल शाम को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भर्तियों को लेकर एक ऑर्डर वगैरह जारी किया गया था। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर के जारी होने के एक घंटे के अंदर देखिएगा यहाँ पर 650 शासकीय पदों पर भर्तियों का रास्ता जो है साफ हो गया है। अब देखिएगा हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र वगैरह हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि साए साए भर्तियों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो देखिएगा क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बन रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो करूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम राहत एवं देखिएगा कल देर शाम को जो यहाँ पे सामान्य प्रशासन द्वारा जारी किया गया जो ऑर्डर वगैरह है, इसके पश्चात देखिएगा CSPTCL ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 31, CSPTCL ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5 एवं CSPGCL ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश वगैरह जारी कर दिया है। इसी के तहत देखिएगा 31 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश वगैरह भी जारी कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। प्लस देखिएगा दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पर मेंशन की गई है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्ती भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। दरअसल इस भर्ती का दस्तावेज सत्यापन शुरू किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। अब इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, एक और न्यूज़पेपर कटिंग पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, उस पर भी हम चर्चा वगैरह कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा 1 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम राहत प्लस कल शाम को जो यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का जो ऑर्डर वगैरह आया है, इसके एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट वगैरह देखने को मिला है। दरअसल देखिएगा CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2021 के फाइनल रिजल्ट वगैरह भी इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही देखिएगा CMO 2022, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट समेत अन्य समस्त भर्ती परीक्षाओं के नतीजे 15 मई इसी महीने के 15 तारीख तक जो है जारी करने की तैयारी वगैरह चल रही है। जबकि देखिएगा छात्रों का मेजर कंसर्न ये था कि CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2022 के प्रीलिम्स रिजल्ट का क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि प्रीलिम्स 2022 के रिजल्ट को जारी होने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक्चुअली देखिएगा इसमें काफी कुछ प्रोसेस वगैरह बचा हुआ है, उसको पूर्ण करना है, इसके पश्चात ही प्रीलिम्स का रिजल्ट वगैरह जारी होगा, तो थोड़ा सा इंतजार वगैरह कर लीजिएगा। लास्ट में देखिएगा दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि कल डेट में निकल कर आ रही थी। साइड में देखिएगा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के कुछ स्लाइड्स वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दरअसल CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में देखिएगा याचिका वगैरह लगाई गई थी। कल के डेट में यानी कि देखिएगा 3/5/2023 को माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका पर फाइनल डिसीजन देते हुए मामले को डिस्पोज कर दिया है। हालांकि देखिएगा दोस्तों, जो फाइनल डिसीजन वगैरह है उसके संबंध में जो ऑर्डर शीट वगैरह अपलोड होते हैं वेबसाइट में, अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। इसके लिए देखिएगा एक्चुअल में बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश वगैरह दिया गया है वो चीज़ क्लियर नहीं है। मैं पहले से देखिएगा आपको अनाप शनाप कुछ भी खबर नहीं देना चाहता, इसके लिए देखिएगा 1-2 दिन वेट करिए, इसके पश्चात यहाँ पे ऑर्डर शीट वगैरह अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सारी जानकारियाँ एकदम ऑथेंटिक आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।